बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अब देखिए ज़रा नंबर सिस्टम, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, नंबर्स के बारे में कि किस किस तरह के नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। हम फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है, अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स नाम सुना होगा आपने। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, है ना, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। इनका डिनोशन हम कैसे करते हैं, मतलब इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं हम, क्या नोटेशन है इसकी? कैपिटल एन, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा ये सब हम रिकॉल कर रहे हैं, इसके अलावा सेकेंड जैसे अगर हम बात करें होल नंबर्स की, होल नंबर्स जिसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल है कैपिटल W। स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये नंबर्स? इनका ग्रुप बनता है ज़ीरो से, ज़ीरो से ये शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई से नहीं बल्कि कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है इसको। कौन से इसमें नंबर्स आते हैं देख लेते हैं। इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और साथ ही साथ ज़ीरो बेचारा भी होगा। जैसे कि अगर हम कहें, यानी इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, यहाँ -3 है, देन -2, -1, 0, 1, 2 पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट हो गए, 3 एंड गोज अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होंगे और इसका जो सिंबल हम है इसका इंटीजर्स का लेंगे वो कैपिटल जेड। वैसे तो पता इसके बारे में ना भी हो कैपिटल जेड क्यों कहा जाता है तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। एक जर्मन वर्ड है ज़ेहलन, ये जो ज़ेहलन है यहीं से, यही जर्मन वर्ड से ये जेड निकल कर आया है जिसका मतलब होता है टू काउंट, है ना, वहीं से इसको इंटीजर्स का सिंबल इसको दिया गया है। ओके, अब जो हमें पढ़ना है बेसिकली, ये तो हमारा हमने पहले भी पढ़ा है, अब जो बेसिकली आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि रियल नंबर्स क्या हैं, क्योंकि इसी के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर बताया जाएगा और उससे भी डिटेल आपको क्लास 10th में बताया जाएगा, लेकिन अभी तो हम क्लास 9th ही देख लें पहले। ओके, रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या है ये रियल नंबर्स? रियल नंबर कॉम्बिनेशन है दो नंबर्स का, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रैशनल नंबर्स। अब ये दोनों हैं क्या, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, है ना, ये तो नाम है, कॉम्बिनेशन हमने देख लिया कि दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है ये, रैशनल नंबर्स और इर्रैशनल नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या है? रियल नंबर है, यानी कि इन दोनों को मिला दें हम तो हमारा रियल नंबर्स का पूरा जो पैकेज है वो तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन इससे पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और इर्रैशनल नंबर्स क्या हैं।
तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले रैशनल नंबर्स किनको कहते हैं? रैशनल नंबर अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. एक नंबर जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में हो और q ज़ीरो ना हो, अगर ऐसी कंडीशन में कोई नंबर है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है. क्या मतलब हुआ इसका? p बाय क्यू के फॉर्म में मतलब उसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो. यानी कि जैसे अगर मैंने लिखा 2/3, यहाँ पर ये कंडीशन वैलिड है. यहाँ पे इसके मुताबिक p बाय क्यू, ठीक है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फॉर्म में है, और यहाँ पे q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर डी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. q शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो 3 है जो कि ज़ीरो नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. तो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये एक रैशनल नंबर है. इसी तरह हम कुछ और भी लिख सकते हैं. सपोज 4/3 लिख दिया या 5/2 लिख लिया, एंड सो ऑन, है ना? तो ये सारे नंबर्स हमारे कैसे हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स. तो एक तरफ हमने अगर ये कंडीशन के साथ चेक किया कि ये कंडीशन अगर जहाँ जहाँ है तो वो नंबर्स कहलाएंगे रैशनल नंबर्स, इसी तरह से अगर हम इरैशनल की बात करें इसी फॉर्म में तो हम बोलेंगे कि एन इरैशनल नंबर या अ नंबर विच कैन नॉट be written in the form of p by q, and of course q should not be equals to zero. ऐसा number जिसको p by q के form में लिखा ही नहीं जा सकता उसको हम बोलेंगे irrational numbers, उसको बोलेंगे irrational number. और ऐसे पूरा ग्रुप हमें मिल गया जिस जो पूरे ग्रुप को ही हम भी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप कहलाएगा इरैशनल नंबर. लेकिन ऐसे हमें कैसे पता लगेगा कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है या नहीं है? तो इसके लिए हम एक और अल्टरनेटिव सोच सकते हैं कि ऐसा नंबर जो कि हो इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स के बारे में हम जानते हैं पहले से, प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा हो उसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 2, ये भाई प्राइम नंबर है 2 और अंडर रूट के अंदर है, तो हम सिंपली बोल देंगे ये भी इरैशनल है. अंडर रूट 3 ये भी इरैशनल है. क्या अंडर रूट 4 होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अंडर रूट 4 नहीं होगा क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है. हमें 2 और 3 देखा प्राइम नंबर है, मैच कर रहा है. अंडर रूट 5 ये भी होगा, अंडर रूट 7 ये भी होगा, अंडर रूट 9 होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है. इसी तरह हम अंडर रूट 11 भी बोल सकते हैं, एंड सो ऑन. ओके, इसके बाद हम सेकंड क्राइटेरिया चेक करते हैं. सेकंड, अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूं किसी नंबर को, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखूं, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो भी कोई नंबर डेसिमल में लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन, मैं यहाँ पे बताती हूँ. जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो कैसा भी नंबर हो सकता है, जैसे चाहे वो लिखा हो 4.5, चाहे वो लिखा हो 2.32, चाहे वो लिखा हो 10.3333 एंड सो ऑन, चाहे वो लिखा हो 4.3
3, 2, 5, 7, 8, 6, 1, 3, 9 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, मतलब कैसा भी नंबर जो कि डेसिमल के फॉर्म में, उसको बोल रहे हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन में है। लेकिन हम अगर रैशनल नंबर की बात करें तो उस रैशनल नंबर को हमें देखना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट करे, यानी एक पॉइंट पे आके रुक जाए, आगे ना बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 4.2, 2 के बाद रुक गया, अब आगे कुछ नहीं है, 4.2 पे स्टॉप हो गया। जैसे मैंने कोई और नंबर लिखा 9.321, तो 321 तीन डिजिट के बाद वो रुक गया, स्टॉप हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ा। यानी डेसिमल डिजिट्स जो थे वो तीन प्लेसेस तक ही रहे, उसके बाद आगे नहीं बढ़े। तो यानी ये टर्मिनेट कर रहा है, रुक रहा है। तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि कोई टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हमें मिला है, टर्मिनेटिंग नंबर मिला है, तो हम बोलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। दूसरा क्या है इसकी पहचान, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि कैसा नंबर, इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखती हूँ मैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। जैसे 3.222... चलते जा रहे है ना, रुका भी नहीं और लेकिन डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह लिखा है 14.252525, यहाँ पे दो दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, रुक नहीं रहा है ना, क्लियर। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं अब इरैशनल्स को, इरैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। इरैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन हमें अगर देखना है तो देख लेते हैं हम इसको भी, जगह कम पड़ गई है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, छोटा छोटा लिख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका ध्यान रहे कि कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रुकेगा नहीं, टर्मिनेटिंग ओके, NATING, ये जी की तरह लग रहा है लेकिन जी है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। अब ऐसा कैसा नंबर होगा भाई, यहाँ पे भी हमने लिखा था, देखिए रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई एक डिजिट रिपीट होना, नो, वो पूरा एक जो ग्रुप है नंबर्स का वो पूरा डिजिट्स दोबारा से रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था 2525 2525, ये पूरा स्लॉट रिपीट हो रहा है वापस से बार 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 बार। ऐसा नहीं कि खाली एक डिजिट रिपीट हो गया तो हम बोलेंगे कि रिपीट तो हो गया, नो, रिपीट तब माना जाएगा जब वो पूरा स्लॉट दोबारा से आए। जैसे 3257861 39 है, तो दोबारा से अगर यही वाला स्लॉट आ गया तो हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने डिजिट्स हमें दिए गए हैं ये सारे डिजिट्स अलग अलग हैं और रिपीट नहीं हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहे, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, क्लियर। तो हम एग्जाम्पल कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि सपोज लिखा हुआ है 10.258769105 एंड सो ऑन,
इस टाइप का नंबर आपको जब भी कभी दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अच्छा, यहाँ पर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के लिए एक और वर्ड आपको एनसीईआरटी में बताया गया है, रीअकरिंग और नॉन रीअकरिंग। रिपीटिंग के लिए क्या लिया गया है वर्ड, आप ना भी लेना चाहें तो चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। रिपीटिंग के लिए रिअकरिंग और नॉन रिपीटिंग के लिए जो वर्ड लिया गया है वो है नॉन, इसको मैं यहाँ पे लाइन बना लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये वाला स्लॉट अलग है, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने आपको, क्लियर। नॉन रिअकरिंग, तो ये हुआ रियल नंबर्स के बारे में जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। कि मैं फिर से एक बार कर दूँ रिवाइज, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में हमें कैसे पहचानना है, अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और डेफिनेटली पी ज़ीरो नहीं है अगर, तो वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो हम बोलेंगे, मतलब उसको नहीं लिखा जा सकता पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। या फिर उसको दूसरा तरीका है समझने का कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। इसी तरह अगर डेसिमल एक्सपेंशन में हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। इसी तरह इरेशनल में अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो एक इरेशनल नंबर है, क्लियर। ओके, वैसे तो मुझे आपको एक हॉट क्वेश्चन देना था लेकिन अभी हमने इतना टॉपिक कवर नहीं किया है कि कोई एक हॉट क्वेश्चन अच्छा सा तैयार हो सके, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जो क्वेश्चन आप सोचिए और ईमानदारी से बिना कहीं से सर्च किए हुए खुद से सोचना है आपको, कहीं से नहीं देखना है, ना ही गूगल पे सर्च करना है, ना ही किसी से पूछना है, खुद सोचना है पहले कि क्या हो सकता है उसका आंसर। उसके बाद जब आप कर लें तब भले ही आप चाहें तो सर्च कर लें, लेकिन जब तक आप खुद ना करें तब तक नहीं। ओके ओके, तो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर वन, चेक वेदर पाई, पाई के बारे में सुना होगा, पाई विच इज इक्वल्स टू 22/7 इज रैशनल और इरेशनल, ये आपको करना है। और जो भी होगा उसके लिए आपको एक रीज़न भी तैयार रखना है ना, यू हैव टू गिव अ रीज़न फॉर दिस, कि अगर रैशनल है तो क्यों, इरेशनल है तो क्यों, दोनों का आपको पता होना चाहिए कि क्यों है दोनों, अगर दोनों में से कुछ भी है तो क्या है वो आपको सोचना है। ओके अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि हम हर बार हर लेक्चर में कुछ दो तीन हॉट क्वेश्चन रखेंगे जो भी टॉपिक हमने किया होगा। आज मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है लेकिन आगे से हम इंशाल्लाह हर लेक्चर के बाद दो तीन क्वेश्चंस हॉट्स रखेंगे, और जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर कंप्लीशन के बाद वो पूरे जितने भी हॉट्स क्वेश्चन उस चैप्टर के कंप्लीट हमने दिए होंगे वो सबका सॉल्यूशन हम एक क्लास में रखेंगे, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन कि उसका आंसर ऐसा है तो क्यों है और ऐसा है तो क्यों है, ताकि जिन लोगों से नहीं हुआ हो तो वो लोग भी उसको कर सकें। और इसके अलावा जो डिस्कस करना था मुझे आपसे, जो कि मैं नहीं कर पाई टाइम की कमी की वजह से, तो हर क्लास के बाद, मतलब हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपको एक असाइनमेंट पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वो असाइनमेंट ज़रूर करना है। वो असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट 5 to 10 इयर्स के सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको ज़रूर करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो। और जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो कुछ सैम्पल पेपर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको, तो वो भी आपको करना है। तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एनसीईआरटी
प्लस असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं वो, और जो हॉट सम कर रहे हैं वो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो मैं हूँ ही यहाँ पर, आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने ईमेल एड्रेस अबाउट में दिया हुआ है वहाँ पर मेल करके भी मुझे पूछ सकते हैं कि आपको ये डाउट है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।